बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को। चैनल पर खुश आमदेद। आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ विल यू परफॉर्म बाइल साल्ट। तो यानी यूरिन के अंदर हम बिलरुबिन को बाइल साल्ट हम किस तरह से टेस्ट करेंगे और किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सामान क्या क्या दरकार है। तो सबसे पहले आप देखें, ये सामने मेरे ये फ़िल्टर पेपर है। हमें फ़िल्टर पेपर चाहिए क्योंकि फ़िल्टर पेपर की मदद से हम सल्फ़र जो है उसको अगर उसमें कोई क्रिस्टल आ रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से हम पाउडर फॉर्म में उसको मिक्सअप कर लेंगे। जैसे कि अभी आप ये देखें तो ये फ़िल्टर पेपर है, ठीक है। ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सल्फ़र पाउडर ली है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सल्फ़र पाउडर मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से ऑलरेडी मैंने पहले ये निकाल रखी है, ठीक है। ये देखें अभी इसमें कुछ क्रिस्टल फॉर्म में भी है। चलें नेक्स्ट, जो हमें चीज़ चाहिए सामान में वो आप देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और एक लार्ज टेस्ट ट्यूब है। ये शीशे की बनी हुई है। उसके बाद हमें कंटेनर चाहिए जिसमें हम फ्रेश यूरिन कलेक्ट करेंगे। फ्रेश यूरिन भी हमने कलेक्ट कर लिया हुआ है। तो इसके अलावा हमें सेंट्रीफ्यूज मशीन की ज़रूरत होगी। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम सैंपल को ताके सेंट्रीफ्यूज कर सकेंगे। चलें तरीकाकार की तरफ चलते हैं। इसको जो इसका तरीकाकार है वो ये है कि जब हम इसको परफॉर्म करते हैं, हम यहाँ पे बाय साल्ट सल्फ़र को हम यूरिन के अंदर थोड़ी सी मिकदार में उसको डाल देते हैं और फिर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर वहाँ पे बारिश की तरह लाइक रेन सल्फ़र उसमें जो है वो सेडिमेंट होना शुरू हो जाए बारिश की कतरों की तरह, तो उसको हम पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे। और अगर वहाँ पे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि वहाँ पे ड्रोन हो रही हो, तो उसको हम नेगेटिव रिपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो चलें बाइल साल्ट यानी कि ये दरअसल स्टीरोल होते हैं जो कोलेस्ट्रोल से हासिल होते हैं और जिगर में बनते हैं। जिगर रोज़ाना तकरीबन 0.8 ग्राम बाइल साल्ट पैदा करता है। बाइल साल्ट एंट्रियम में पहुँच कर जो चिकनाई है, फैट है, सोलूबल्स और विटामिन्स की जो डाइजेशन है इसकी अब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। बाइल साल्ट दो तरह के होते हैं, सोडियम ट्राइकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। यूरिन में बाइल साल्ट मालूम करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाता है, जो इसका आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं, इसको हाइज टेस्ट कहते हैं। मज़ीद आपको बता दें कि ये किन कंडीशन में बीमारियों में यूरिन में पाया जाता है। तो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्टिव जेंडस की सूरत में ये वहाँ पे मौजूद होता है और हेपेटिक जेंडस की सूरत में भी होता है। हेपेटाइटिस की सूरत में होगा, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव की सूरत में भी वहाँ पे ये मौजूद होगा। हेमोलाइटिक एनीमिया की सूरत में भी वहाँ पे ये डिटेक्ट हो सकता है और एम्पायर्ड लिवर फंक्शन की सूरत में भी वहाँ पे यूरिन के अंदर ये डिटेक्ट हो जाता है। ये भी आपको बता दें कि जो इसकी डिटेक्टेबल अमाउंट है यूरिन के अंदर वो यहाँ पे अगर हम उसको देखें, मेजर करें, तो वो तकरीबन 10 मिली मोल पर लीटर के हिसाब से यूरिन में मौजूद होती है नॉर्मली। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो इसको हम कहेंगे ये एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है और वो वहाँ पे हमें डिटेक्ट हो जाएगा जी। जी चलें टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी जो मेरे पास सल्फ़र है इसको मैंने ये फिल्टर पेपर के अंदर डाल के अच्छी तरह से इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आप देखें, अच्छी तरह से तसल्ली कर लेंगे कि इसमें मुझे कोई क्रिस्टल ना रह जाए क्योंकि हमने इसको यूरिन में डालना है जी। ये देखें मैं यहाँ पे इसकी तसल्ली कर रहा हूँ ताकि किसी किस्म का कोई क्रिस्टल इसमें ना रह जाए। दो
किस्म का, जहाँ पे आपको क्रिस्टल नज़र नहीं आ रहा है। याद रखें, यूरिन को हमेशा जब आप रखेंगे तो बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। जिस जगह पे पड़ा हुआ है वहाँ पे बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें वहाँ पे पंखे की हवा भी उसको डिस्टर्ब ना कर रही हो। इवन प्लेस हो, बराबर जगह हो जहाँ पे वो पड़ा हुआ हो। और उसको जब आप टेस्ट परफॉर्म करें तो करने से पहले उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज कर लें, ताकि उसमें मौजूद टर्बिडिटी या फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस, जो टर्बिडिटी की वजह से या कोई और डिपॉजिट अगर उसमें शामिल हैं, या कंटेनर में किसी किस्म की कंटेमिनेशन है, स्पेसिमन घर से आया हुआ है, तो उस सूरत में वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी जब आप उसको अच्छी तरह से सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। ठीक है जी। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप उसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में हालत सुकून में रख दें। जैसे कि अभी आपने देखा था कि मैं 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने पहले से इसमें सैंपल डाल के इसलिए रख दिया था ताकि ये यहाँ पे इजीली हालत सुकून में पड़ा रहे। बाकी आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आर पार बआसानी देख सकते हैं, किसी किस्म की टेस्ट ट्यूब के ऊपर भी डस्ट नहीं है। तो यहाँ अब सल्फर को मैंने फिल्टर पेपर के ऊपर डाल के अब अच्छी तरह से इसको यहाँ पे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। किसी किस्म का वहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे ये क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद है, टोटली पाउडर फॉर्म में आ चुकी है। अब मैं इसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो यूरिन है जो पहले से मैंने रखा हुआ है, अब इसमें इसको डालते हैं। तो टेस्ट के दौरान भी ख्याल रखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है जब हम इसको परफॉर्म करें तो ये बिल्कुल भी वहाँ पे किसी किस्म की मूवमेंट इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने की सूरत में भी टेस्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है और वहाँ पे सल्फर जो है वो सेडिमेंट हो सकती है। ठीक है जी। चलें जी, ये देखें, अब सबसे पहले हम इसको सल्फर को मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और अब इसको मैं बिल्कुल बगैर टच किए टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर इसको मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद अब हम इसको यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें अब यहाँ पे सेडमेंट्स होते हैं, सल्फर सेडमेंट होगी या नहीं। यहाँ पे इसको देखने के लिए, चूँकि ये मुशाहिदा करना है, बाज़ औक़ात आई साइड का प्रॉब्लम होता है जिन लोगों को, तो वो वहाँ पे सादा खुरदबीन यानी जो अच्छा है मैग्नीफाई करने के लिए वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके साथ वो ज़्यादा बेहतर क्लियर उसको आप देख सकते हैं। तो बेहतर है कि आप उसको वहाँ पे इस्तेमाल ज़रूर करें। ठीक है जी। देखते हैं, अभी इसमें मैंने इसको डाल दिया है, ये आपको थोड़ा जूम करके इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आपको टॉप पे सल्फर यूरिन की सतह पे तैरती हुई नज़र आ रही है। अभी तक यहाँ पे किसी किस्म की कोई सल्फर जो है वो बिल्कुल नीचे यानी सेडिमेंट नहीं हुई है। आप देख रहे हैं बड़ा वाज़ है। तो अभी तक इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। मज़ीद मैंने एक सैंपल और भी यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी आपको इसमें दिखाएंगे कि वो पॉजिटिव कंडीशन कैसे होती है और पॉजिटिव टेस्ट कैसे होगा। जी, ये टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हैं, इसको इसकी बैक पे मैंने अम्बर बॉटल जिसमें सल्फर है उसको इसलिए रखा है ताकि यहाँ से हमें डार्क बैकग्राउंड प्रोवाइड हो जाए और जिसमें हमें ऑब्ज़र्व करने के लिए आसानी हो। ठीक है जी। जी, ये सेकंड स्पेसिमन है मेरे पास, ये इसमें मैंने अभी इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख दिया है। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो सेडिमेंटेशन हो रही है। ये भी आपको मैं क्लोज करके नज़दीक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी, ये देखें यहाँ पे, ये चूंकि मैंने आपको बताया था, एक मैंने ऑलरेडी एक सैंपल और ले रखा है, तो ये पॉजिटिव सैंपल है। पॉजिटिव सैंपल में अगर आप देखें तो यहाँ इसमें बिल्कुल वाज़ह तौर पे आपको सल्फर जो है वो ड्रोन होती हुई नज़र आ रही होगी।
ठीक है जी, ये देखें, ये यहाँ से इसमें लाइक रेन यहाँ पे ये सेडिमेंटेशन हो रही है। करीब मजीद कर, जी यहाँ आप देखें तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे यहाँ आपको इसमें सेडिमेंटेशन नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये देखें बड़ी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे, ये चूंकि सैंपल पॉजिटिव था, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने यहाँ एक पॉजिटिव सैंपल ले रखा है, तो इस पॉजिटिव सैंपल के अंदर ये देखें ये सेडिमेंट्स वहाँ पे, ये देखें जी, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक रेन, जैसे बारिश के कतरे ज़मीन पे गिरते हैं, इस तरह से ये इसमें सल्फर जो है ये तेज़ी के साथ ड्रोन हो रही है, यानी उसमें पेंदे की तरफ सेडिमेंट हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, डूब रही है इसमें। लिहाजा इस स्पेसिमेन का जो टेस्ट है बाइल साल्ट, उसको हम पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे जी। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे। जी ये देखें, यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो मैंने अब लाइट को ऑफ़ किया है ताकि यहाँ पे जो उसका रिफ्लेक्ट था लाइट का वो अब ना आए। तो अब आप देखें ये बिल्कुल वाजह तौर पे आपको यहाँ पे ये सेडमेंट होती है, सल्फर नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और फिर इसको हम रिज़ल्ट आउट करेंगे। ठीक है जी, वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया, आने वाली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।